इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए आर्मी चीफ। हम आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ घोषित कर दिया गया है। वही 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपना पदभार संभालेंगे। वही 30 जून को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख मनोज पांडे। बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रीवा के सैनिक स्कूल से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुरुआती शिक्षा ली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ घोषित कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अपना पदभार संभालेंगे, अहम भूमिका निभाएंगे। वही 30 जून को रिटायर होंगे सेना प्रमुख मनोज पांडे। हम आपको बता दें, रीवा के सैनिक स्कूल से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुरुआती शिक्षा ली थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अपना पदभार संभालेंगे। वहीं 30 जून को ही सेना प्रमुख मनोज पांडे रिटायर होंगे और उनके बदले जनरल उपेंद्र द्विवेदी पदभार संभालेंगे। हम आपको बता दें, उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा के सैनिक स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ घोषित कर दिए गए हैं। और हम आपको बता दें, 30 जून को वे अपना पदभार संभाल लेंगे।